A very good afternoon, everyone, and welcome to this very very special afternoon. देखिए इस साल की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ. आमतौर पे मैं अपने रेडियो स्टूडियो में रहता हूँ, रात को आपको पुराने गाने सुनाता हूँ. मेरा नाम आरजे अनमोल है, लेकिन बड़े भाई ने दावत दी, यहाँ पे इशारा किया, तो स्पेशल ओकेजन पे मौजूद हैं, जैसे कि आप सब के सब मौजूद हैं. आज की इस स्पेशल आफ्टरनून को अगर मैं दो लाइनों में सीमित कर दूं तो बस इतना ही कहूंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है. सपने सभी संजोते हैं, सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि सपने सच होते हैं. सपने सच होने की आज कहानी है, एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू, एंड दिस आफ्टरनून इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड. वेलकम, थैंक यू सो मच. हम सब के सब जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. आज पहली बार द सेंसेशनल सिंगर रानू मुंडाल जी को आज मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आर हिट मशीन हिमेश रेशमिया, एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस स्पेशल स्पेशल ओकेजन. हम सब के सब ऑलरेडी पहले डाइस पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मली लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन ऑन द डाइस. सबसे पहले ऑफ कोर्स हु डजंट नो हिम, 100 से भी ऊपर ब्लॉकबस्टर गाने, वी कॉल हिम द हिट मशीन, ही इज आवर एचआर हिमेश रेशमिया. साथ ही साथ ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सेंसेशन, जैसे कि मैंने कहा सपने सच होते हैं. लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस. ये सिर्फ आपकी स्माइल नहीं है, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान की स्माइल है आपके चेहरे पे. रानू मुंडाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी. दे से बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमन देयर, एंड बिहाइंड दिस स्पेशल फिल्म वी हैव अ वेरी स्पेशल लेडी हु इज देयर, एंड शी इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म. एक बार दीपशिखा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. एंड यू नो दे आर द लीडर्स इन म्यूजिक. इन्होंने हमें सिखाया है, हमें इन्होंने बताया है कि जब म्यूजिक को कंज्यूम किया जाता है तो कैसे कंज्यूम किया जाता है. फ्रॉम टिप्स इट्स सच अ प्लेजर टू वेलकम कुमार तोरानी जी विद अस ऑन द डाइस. थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू हैव यू हियर विद अस. आई विल ब्रिंग द माइक स्ट्रेट टू हिमेश, एंड और डू वी फर्स्ट शो द सॉन्ग. ओके, यू वांट. और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्टेज पर जो मुझे इंस्पायर करती हैं, और इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है स्क्रीन प्ले, माई वाइफ सोनिया, एंड मेरे ये जो एक, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं जहाँ तक भी मैं पहुँच पाया, तो एक मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे एक गुरु बनकर, एक एक टीचर बनकर, ही इज़ द बैकबोन ऑफ माई सक्सेस, ही इज़ जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक या कुछ भी काम कर पाता हूँ. और एक मेरी बीवी है सोनिया, जो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर करती है कि वो लुक जो मेरा हुआ करता था, और उससे आज एवरी स्टेज पर कुछ और बेहतर करने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पिताजी और मेरी बीवी सोनिया की वजह से. थैंक यू सो मच. ऑफकोर्स ऑल्सो फॉर माई मदर. एंड अतिंदर जी को मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो जिन्होंने वो वीडियो बनाया है जिसकी वजह से रानू जी वायरल हो गई और फिर हमारे शो पे आई, और हमारे उस शो से, सुपरस्टार सिंगर से, हमने पता नहीं क्या लगा मुझे, जहाँ से मुझे लगा कि भाई उन्हें डेफिनेटली एक ऐसी कशिश थी उनकी आवाज़ में, तो मैंने एक वादा कर लिया कि उन्हें रिकॉर्ड करवाना चाहिए. उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वो क्लिप बन गया, वो मेकिंग हो गई, क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद मैंने दीपशिखा जी से बात की, शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, कुमार जी से बात की, इज़ द म्यूज़िक कंपनी, एंड इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने. तो रानू जी, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि बहुत लोगों का हाथ है, और सबसे ज़्यादा हमारी जनता का, उन्होंने इतना प्यार दिया है आपको. बस आज मैं इस पूरी ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जस्ट इनको और आगे लेके जाइए, आप इनसे और काम करवाइए, बहुत ज़्यादा ये स्टेज पे परफॉर्म अच्छा करेंगी, बहुत बहुत सुरीला गाती है. हम इनसे हमारा नेक्स्ट गाना भी आशिकी में तेरी, जो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ, जो कुमार जी के लिए पहले भी किया था,
जब चाइना टाउन में, तो वो गाना बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं. उसके बाद हम आदत नाम का गाना भी इनसे गवा चुके हैं और एक गाना भी. तो आपको पता चलेगा कि उनकी आवाज़ में जो वर्सिटैलिटी है, तो उस वर्सिटैलिटी को हमने जितना हो सके वी हैव ट्राइड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. ये तपन दा है, तपन दा ने बहुत बड़ा योगदान है रानू जी की करियर में इनका. तो इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, बिकॉज ये हम ना होते तो आज एक सेंसेशनल जो सिंगर हमें मिला है वो हमें नहीं मिलता. और मुझे ऑलवेज़ ये लगता है कि टैलेंट को आगे लेके जाना चाहिए. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हमेशा सलीम अंकल कहते हैं, सलमान भाई कहते हैं कि भाई उन्होंने कितने लोगों को ब्रेक दिया है. तो हमने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये बस उनकी आवाज़ में वो कशिश थी और हमने वो किया और आप लोगों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है. हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कोशिश की है. सो थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, ब्लेसिंग आर टीम, एंड थैंक यू एवरीबडी, कुमार जी और दीपशिखा जी, वाशु जी, एंड यू नो एवरी टीम मेम्बर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें इस पूरी जर्नी में. एंड अभी तक म्यूज़िक यू नो यूजुअली रिलीज से पहले इस तरह से हिट आजकल कम होता है, बिकॉज ट्रेलर पहले आता है और फिर म्यूज़िक आता है. बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दीपशिखा जी के साथ, कुमार जी के साथ, वाशु जी के साथ एक डिसाइड हुई कि हमें इस फिल्म का, इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म, इट्स अ लव स्टोरी, सो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए. एंड दैट्स वाई हमने म्यूज़िक इसका पहले लाने की कोशिश की. अभी तक ट्रेलर आया भी नहीं है और म्यूज़िक आप लोगों ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया है. तो ये बहुत रेयर होता है रिलीज़ से पहले आजकल के ज़माने में, जो पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता. yes. वो हुआ है और एक जेन्युइन ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक होना रिलीज से पहले बहुत अच्छी बात है. और अभी बहुत ग्रेट म्यूज़िक इस फिल्म का बाकी है आना, इसके रीमिक्सेस भी आ रहे हैं और आपको 31 दिसंबर पे सारे गाने के साथ आपके पार्टी कराएंगे उसके साथ. क्या बात है, क्या बात है. एंड एचआर, यू नो हमें बहुत सी बातें करनी है अबाउट द सॉन्ग्स, अबाउट यू, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक दो हमारे पास जो गाने तैयार हैं उनकी अगर एक झलक दिखला दें. जी बिल्कुल, एक गाना हम लोग पहले आपको हीरे का हीरे दिखा देते हैं, जिससे एक फिल्म की आपको फील मिलेगी और उसके बाद इस गाने का इंतजार जो आप कर रहे हैं, जो yeah. आज लॉन्च हो रहा है. wow. and it's the launch of a sensational singer today. and हमने पूरी कोशिश की है. आप ये दोनों गाने देखिए. पहला गाना अरिजीत और श्रेया ने गाया है, mm-hmm. जो हमारी फिल्म की एक, आपको जो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है इस वक्त सब जगह पे, आप देखिए वो गाना. और mm-hmm. दूसरा गाना आपको जो हमारा लॉन्चिंग गाना है. आज हम दो गाने दिखाते हैं, उसके बाद हम we'll go to the next level and start the question answers. Thank all right, you. So all up to you. Can we have the song, please? The song which is making radio waves. Yes, of course. Before we open the questions, I think hum sabke sab us gaane ko bade parde pe dekh rahe the, niche aapki is muskaan ko dekh rahe the, aapki muskaan dekh ke hamare chehron pe muskaan thi. Tell us about it, Ranu ji. Wo Kolkata ka station, wahan pe baith ke wo gaana gaana, wahan se fir wo social media pe, fir HR ने आपको ये गाना, मतलब कि ये फीलिंग क्या है, क्या लग रहा है आपके दिल में, क्या चल रहा है, सब बताइए. Because God always with me, that's why. Thanks God. Thanks to God. Yeah, because he always sing that song. That's why. Thank you so much. Because God is always time loves me, you know. That's why. Because he is great, no. यानी भगवान जो हमारा है वो बहुत बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे. यानी यीशु जिसका नाम, उन्होंने इतना प्यार किया है, इतना प्यार करते हैं कि हम उनके पास कितने भी क्या बात है. जी थैंक यू. वाओ, और मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत. मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए. How sweet is that? Superb. एक होती है दुख की आंसू, उनकी आंखों में खुशी की आंसू है, जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ. ये खुशी की आंसू. देखिए ये सफ़र आप लोगों की वजह से हुआ है. ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से, हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है
तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया, एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग, सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ। वाह, थैंक यू। हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए, बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया, लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए, इतना बड़ा बनाइए, और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था तब हम आगे आए थे। क्या बात है, आपके अंदर ही तो भगवान ने मेरे लिए इतना काम किया है, इतना ग्रेटनेस, इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे, और मुझे हर दुख भुला दिया, सब ऊपर वाले नहीं सच और मैं, लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे, अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका दी थी तो मैं कभी नहीं गा सकती ये बात। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे अतिंदर जी ने वो वीडियो शूट किया तो ये नहीं होते तो वो नहीं होता, तपन जी इतना सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता, दीपशिखा जी मुझे हाँ ही नहीं करती ये फिल्म ही नहीं बनाती तो ये नहीं होता, कुमार जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता एज अ म्यूजिक कंपनी तो नहीं होता, इतने लोगों ने, आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हो गया, पूरी ऑडियंस आ गई, पूरी मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है आप लोगों ने किया है, हम सब ने, बस हम सब जरिया हैं, वो ऊपर वाला चाहता था कि शी हैज़ टू बिकम अ बिग स्टार एंड शी इज अ बिग स्टार। हाय उमेश, फैजान दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन। हाय उमेश, ऑन योर लेफ्ट देयर, यप, हियर। ओके उमेश, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज सुनी, उन्होंने जब आपने उनका वीडियो देखा तो क्या रिएक्शन था, सबसे पहले पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यू नो यूजुअली जजेस को बताते नहीं हैं बिकॉज वो अदरवाइज यू नो दे हैव टू कैप्चर इट ऑन कैमरा सो इट हैज़ टू बी रियल एंड दे क्रिएट अ वेरी रियल मोमेंट सो दे डिडंट टेल अस तो उन्होंने सडनली कंटेस्टेंट्स जो बच्चे बहुत ही ग्रेट परफॉर्म कर रहे थे शो में उसके बीच में रानू जी को वो लोग ले आए क्योंकि कहीं ना कहीं वो शो में जेन्युइनली दे वांट द टैलेंट टू गो टू दैट नेक्स्ट लेवल तो उसमें रानू जी को लाए और उन्होंने वो एक प्यार का नगमा लाइव गाया वहाँ पे और वो वायरल ऑलरेडी हो चुका था और मुझे जब मैंने देखा जब वो सुना है ना आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने तो मुझे लगा और तेरी मेरी और तीन चार गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी हमने पहले दो तीन गाने जो रिलीज़ कर दिए थे तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़ बिल्कुल राइट है और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज लगती है क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं 350-400 गाने मैंने बना के रखे तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था वो फिल्म नहीं बनी उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में सीरियल्स कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूँगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया उन्होंने कहा था प्रॉमिस किया था मुझे और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए वो गाने हिट हो गए तो सलीम अंकल ने तब मुझे बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री आपको देती है तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कभी कोई न्यूकमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग और यू नो हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर यह सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है तो उस टैलेंट को जहाँ पे भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए ये मैंने सीखा था और वही चीज़ करता आया हूँ और रियलिटी शोज़ में भी करते थे और जहाँ पे ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए कुछ और नहीं सोचना चाहिए तो बस वो मैंने वादा कर दिया अब वादा करने के बाद
मैंने दीपशिखा जी से भी बात की, मैंने कुमार जी से भी बात की, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया और ये बात वायरल हो गई. वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का. सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था, क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू. यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक. म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया. तो मैंने कुछ किया नहीं है. जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आडिहिर का हमेशा से ही रहा है. बिकॉज ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है. हमारा डायरेक्टर नया है, ही वॉज वेरी गुड कोरियोग्राफर. सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल. और बस हम ये जो इट्स हर डे एंड यू हैव टू टेक हर टू दैट नेक्स्ट लेवल. रानू जी, मेरा सवाल आपसे है. रानू जी, आपके लेफ्ट में. हेलो. आपके लेफ्ट में, इधर. रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को? कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ. उनके पास प्यार के लिए जो मुझे इतना प्यार दिया, उन लोगों ने इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए. और फिर हमारी ये जो हेमिश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी. मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है. और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था शायद, क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया जी वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी. और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है, तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड की भी आभारी हूँ. और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कि हमें उनका उन्होंने तो मेरे ही तपन दा हाथ उठाई यहाँ तक उन्होंने मुझे छोड़ा इनके वजह से, जो हमें हेल्प किया. और अतिंद्रों को भी, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. और अतिंद्रों को भी, क्योंकि उन्होंने जब वीडियो किया इसके बारे में, गानों के बारे में, तो उनके वजह से भी ज़रूर. तो इनके लिए मैं ये सब और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हम आप सब के लिए. जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तब से आप धन्यवाद दिए जा रही हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, फैंस को दे रही हैं, हिमेश को दे रही हैं, तपन और बाकी टीम को दे रही हैं, लेकिन आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं. आपकी कहानी जानना चाहते हैं. आप तेरी मेरी कहानी गाना ज़रूर गा रही हैं, लेकिन आपकी कहानी कि क्या आप बचपन से आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आएंगी? क्या आपने कभी कोई शास्त्रीय संगीत का कोई क्लासेस ली है? या फिर जब आप गा रही थी, आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था तपन ने, उस वक्त क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया था कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप इस तरह से लोगों की फेवरेट बन जाएंगी? मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मगर मेरे आवाज़ के ऊपर मैंने हमेशा निर्भर किया कि मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले तो लता जी का आवाज़ से ही गाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने वो जो शोर पिक्चर का गाना गाया, तो मैंने वो जो गाना बचपन से मैंने गाने की मुझे बहुत शौक़, मतलब शौक मीन्स दिल से, ऐसा नहीं गा दिया हो गया, मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनकंफर्टेबल बोलते हैं ना, जिसके फुल मतलब
फुलफिल नहीं हुआ या फिर कुछ कुछ अधूरा रह गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सुरों से, मेरी आवाज़ों से, तो कहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा सोचती थी ज़रूर, लेकिन मेरी जो आवाज़ है जो गॉड की तरफ से मिले या भगवान, तो उनके ऊपर मैं हमेशा निर्भर या फिर डिपेंड करती थी कि मैं करती हूँ भी अभी भी, कि उनकी मेहरबानी से मैंने जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने हूँ और है, और आगे जाके भी मैं ज़रूर गाऊँगी। इनके साथ तो वो जो रिलीज हुआ ना से गाना, तो इन सब के लिए मैं सबको और उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आशा नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे जीवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है। हाँ, ये जो स्टेज मुझे, ये जो स्टेप मिली है हिमेश जी से, तो इसका शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टेज पे मैं पहले भी गा चुकी हूँ और गाया भी हूँ, और वो कुछ सालों के लिए गैप थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गानों से अनजाना थी। ये जो सुर और अगर मैं सोचा कि मैं गा नहीं सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दूँ। तो मैंने उन जैसे कि रफ़ी जी और लता मंगेशकर और मुकेश जी और सनू निगम और फिर कुमार सानू, जो जो बड़े बड़े सिंगर है या फिर किशोर कुमार, इन लोगों के गाना सुन के तो मैंने सीखी वो, तो कैसेट से जी रिवाइज कर करके मैंने जिस जिस जगह में मुझे ज़रूरत वो सुन सुन के सीखी हो। तो मुझे जैसे लता जी का आवाज़ मैंने तभी कॉपी करते थी, कर करके मैंने गाया, तो हाँ सभी गायक गायिका से। तो मुझे ये उम्मीद थी कि है भी कि मैं ज़रूर गा सकती हूँ। हिमेश जी, और कुछ हिमेश जी ऑन योर लेफ्ट। जी देखिए, मैंने फिरोज जी का तो गाना नहीं सुनाया, मगर उनके रूम में मैं रहती थी, क्योंकि मेरी जीवन में जो स्टेप आया था उन्हीं के घरों से शुरू हुआ, इसके लिए मैंने उन्होंने तो मेरे उम्र से भी बहुत ही मतलब उम्र से बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि मैंने जो भी फिल्म सिंगर आई मीन्स गायिका और गायक की बात की, वो भी हमारे से बहुत ही आई मीन्स उम्र से बहुत बड़े हैं। हाँ, लेकिन उनके गाना सुन के मैंने जो गाना शुरू किया, लेकिन फिरोज खान की बात जब आई तो उनको मैंने कभी गाना सुना नहीं, या तो फिर भी उन्होंने मुझसे गाने का कुछ ये डिमांड भी नहीं किया कि तुमने गाना गाते हो या फिर गा। उनके घर पर हम रहते थे, उनके घर में रहते हुए यहाँ तक कि उनका एड्रेस से, उनका अकाउंट से मेरा अकाउंट शुरू हुआ था, तो उनको इतना करीब से जानती हूँ कि उनका घर होते हुए भी फिर भी उन्होंने अपना रूम जो नीचे था वो रूम पार्टीशन करके वहाँ में दिया था, वहाँ पे टॉप की ज़रूरत या टॉप आई मीन्स वाटर, तो वो भी उन लोगों ने बना के दिया था, नल जिसको बोलते हैं ना। और फिर खाने बने की तो हम फिरोज खान के घर पे से ही लेके आती थी, उनका फ्रिज से जो भी कुछ खाना था तो उनके घर पे से ही लेके आती थी, और मेरी फैमिली हम वहाँ पे रहते थे, तो इसी हिसाब से उनका मेरा जान पहचान है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला नहीं कि तुम गाना गाओ या फिर सुनाया नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं फैमिली में तभी बिजी थी, इसके लिए मैं वो सब कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन बहुत काफ़ी फिल्म स्टारों से मेरी मुलाकात हुई, जैसे कि ऋषि कपूर जी और फिर विश किया और फिर किरण जी, वो लोग तो टीवी सीरियल करते थे, और फिर राजीव बब्बर जी, स्कूल से उनके साथ इंट्रोडक्स हुआ था, और भी बहुत सारे फिल्म स्टारों से मेरा जान पहचान तभी हुआ, ये बात। ओके, लेकिन भाई पूछ ले वो।
पूछ ले. ओके हिमेश जी यहाँ पे, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट वॉस. पहले सबसे पहले थैंक यू टू यू एंड द होल टीम. मतलब आपने साबित कर दिया दैट टैलेंट नोज नो बाउंड्री एंड कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा आपसे ये सवाल, जैसे अभी खुद रानू जी ने कहा था कि वो मुकेश जी, लता जी, इन सब के गाने सुन सुन के उन्होंने सीखा है. एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट स्कूल वन कैन लर्न फ्रॉम. सो मेरा आपसे सवाल है कि लता जी ने हाल ही में कहा था दैट इमिटेशन हैज इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंड इट्स नॉट अ ड्यूरेबल यू नो कंपेनियन टू सक्सेस. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए मुझे ऑलवेज ये लगता है कि कौन से कॉनोटेशन में लता जी ने ये बात एग्जैक्टली कही थी. मुझे ये लग रहा है कि वो यही है कि जैसे आज अगर कोई कोई बहुत ही, जैसे अरिजीत सिंह है, बहुत ही ग्रेट सिंगर है मेरे हिसाब से, और बिल्कुल उन्हीं की तरह अगर कोई गाने लगे सेम, तो जब अरिजीत जी हैं तो फिर वो क्या होता है, वो वर्क उतना नहीं करता है. लेकिन इवेंचुअली एक इंस्पिरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. हर सिंगर ने इंस्पायर होके ही किया है. जैसे कुमार शानू जी हमेशा कहते हैं कि भाई किशोरदास, हम सभी इंस्पायर्ड रहते हैं ना कहीं ना कहीं. जब मैंने हाई पिच सिंगिंग शुरू की तो लोगों ने नेजल सिंगिंग कही, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिंगिंग ऑलवेज नेजल ही थी और अब बहुत कॉमन हो गई है. तो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं, कि आप कौन से जोन में आपके जो वोकल एम्पलीफायर्स होते हैं या जो आपके आपके रिफ्लेक्सेस आपके ब्रेन को क्या सिग्नल देते हैं कौन से जोन में जाने के लिए. बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ अ सेकेंड दैट यू हैव टू पिकअप द नोट्स इन म्यूज़िक. अब जब ये बात है तो कहीं ना कहीं बॉर्न टैलेंट इनमें है और वो इंस्पायर ज़रूर हुई हैं लता जी से. बट वैसे भी लता जी जैसा लेजेंड तो कोई नहीं बन सकता. वो लेजेंड है, शी इज़ द बेस्ट. बट कहीं ना कहीं उनको एक इंस्पिरेशन मानकर जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी एक दास्तान लिखी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है. तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि लता जी का जो लाइन थी वो ये थी कि भाई इंस्पायर हो जाओ. वो इंस्पायर वर्ड शायद उन्होंने उस किस तरह से, मुझे ये लग रहा है कि उस बात, उस लाइन का मीनिंग ये है कि इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट कॉपी करना ज़रूरी नहीं है. तो इन्होंने वैसे भी कॉपी की नहीं है. दीपशिका जी, मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड रानू जी'स वॉइस, एंड कैन वी सी योर कोलैबोरेट, मतलब यू गाइस आर कोलैबोरेटिंग विद जैकीज म्यूजिक एल्बम, जो म्यूजिक लेवल उनके साथ. I think like all of us, I saw her first thing on WhatsApp, and मैंने खुद बहुत जनों को forward किया है on Facebook and Instagram, and I think she has a beautiful voice. We're here to celebrate Ranu ji, and you know there's so many talented people out there, but Himesh ji, thank you for giving her thank you so much a platform like this to showcase the platform her talent. Is, of course, from the team yes, of Happy Hari. You know, so to all of y'all for you know Kumarji, giving her. And she's a household name, and I think what's lovely is that the audience loves her and you know really want to see her sing. So as a woman, it gives me immense pleasure to be empowering in other women. About just Jackie's, we'd be honored to, you know, if for sure she has to. I mean, you know, main yahi kahunga ke definitely Atinder ji aur Tapanda ko aap log please contact kare. And they are going to definitely take Ranu ji to the next level. Aur main apni taraf se bahut guide karne ki koshish karunga unhe. Aur sabhi ke saath I think she should collaborate. And different logo ke saath wo kaam karengi to unka kaam aur aage badhega. Ye to bahut zaruri hai. Jaise hum sab ke saath kaam karte hain to wo to definitely she has to. And I'm sure Jackie, who's just started his company and is doing so well, I mean he's going to even take Ranu ji's voice, and of course Kumar ji bhi bahut aur opportunities denge Ranu ji ko, I'm sure. Yeah, in fact I was coming to Kumar ji because Tips has always been a pioneer in you know introducing new talent. Kumar ji, when HR came to you first aur ye idea aap se discuss hua tha, what was your first initial reaction about Ranu ji? See, HR ki to humne music pe le li thi, and we really have big confidence in him ki he's really a hit machine. ना रियली एंड आगे भी हम उसके साथ दो तीन और पिक्चरें भी कर रहे हैं. तो जब उन्होंने हमें इनका बताया, वीडियो देखा हमने सब, तो आई सेड नो प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा है, माना वी शुड रियली डू दिस एंड वी शुड
सपोर्ट आर्टिस्ट. हमने पहले भी हमारी टिप्स में भी बहुत सारे इवन इन फिल्म्स और म्यूजिक वी ऑलवेज सपोर्ट न्यू टैलेंट. तो नया टैलेंट कहीं भी होता है तो वी शुड सपोर्ट 100%. एंड फिर इमेजी ने बोला कि मैं सेकेंड गाना कर रहा हूँ अदर, एंड हमारे एक पुराना गाना है 36 चाइना टाउन, इनकी म्यूजिक है तो उसमें मैं वो भी रीडू करता हूँ इनके साथ. तो मैंने नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, तीन चार गाने बना दो तो हम सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे अच्छी तरह से. तो वी आर बैकिंग हर, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड आपका ऑफकोर्स मीडिया, वी नीड मीडिया सपोर्ट इन दिस. तो आप जितना प्लीज सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सर. एच थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. जी थैंक यू. देखिए मेरी कैप वाली जर्नी में एक सच ये था कि अब क्या बोलूँ, बाल उड़ गए थे तो ये था, तो कैप लगा ली. उसके बाद आप लोगों ने हिट कर दिया, फिर गाने तो गाने का म्यूज़िक में तो मैं था ही. उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो गया तो फिर सब बाल आ जाते हैं यहाँ पे. तो आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो जाता है तो आप लोगों की यू नो उससे ये भी अच्छा हो गया. उसके बाद सोनिया मुझे हमेशा ये कहती थी कि भाई अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें एक्टर लगना भी तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी. और मेरी जर्नी बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है. मेरी जर्नी कोई आई वॉज अ बॉर्न म्यूजिशियन और अ प्रोड्यूसर और अ सिंगर. एंड देन एक रियलिटी शोज़ में मैं जज करने लगा एंड आप लोगों को एक पॉपुलैरिटी आ गई, गाने बहुत सारे हिट हो गए सारे. बट एक कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डिलीवर एज एन एक्टर और उसकी कोशिश मैंने शुरू की. बट अभी तो ये मेरी 10वीं फिल्म है तो फर्स्ट फिल्म से एक वर्डिक्ट आ जाता है कि भाई ये करना चाहिए. कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली, लेकिन हर फिल्म में एक लेवल का मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता गया. लेकिन मेन जहाँ पे बहुत बड़ा हाथ सोनिया का है उसमें, क्योंकि उसने मुझे कहा कि फर्स्ट यू हैव टू गेट इनटू फिटनेस, गेट इनटू वर्कशॉप्स, गेट इनटू द राइट जोन वेयर यू कैन प्रूव योरसेल्फ एज एन एक्टर. और कहीं ना कहीं इसीलिए जब एक्सपोज फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, इसका सीक्वल हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद 13 सुरूर आई जिसने मॉडरेट बिजनेस किया, तो मुझे कभी अच्छे रिव्यूज़ कुछ लोगों से मिले कभी नहीं मिले. तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्यों, क्योंकि वो एक्टर की जो दुनिया है वहाँ पे मैं सिर्फ शुरू हो रहा हूँ. लेकिन हैप्पी हार्डी हीर में 3 बजे जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत की है और आपको एक बहुत इम्प्रूव्ड एक्टर मिलेगा. ये मैंने कोशिश की है जितना. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं सोनिया का बहुत बड़ा हाथ है. शी इज़ डन द स्क्रीन प्ले ऑल्सो फॉर द फिल्म. और मेरे डैड का भी बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें कहता है. दे टेल मी कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर, सो इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर देन यू हैव टू डू अ ग्रेट जॉब एंड देन कम्पीट विद द बेस्ट. एंड आई हैव ट्राइड टू डू दैट इन हैप्पी हार्डी हीर. सक्सेस नॉन सक्सेस मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जो 3 बजे I am proud of the product in terms of the aesthetics, the sensibilities of the film. And trust me, बस वो एक फ्राइडे की ज़रूरत होती है हर एक्टर को. वो एक फ्राइडे मुझे लगता है कब मुझे मिलेगा वो आप लोगों के. Wow. Let's. Yeah. Hello. Sir, center. Preeti. मुझे आप कह रहे हैं जी. देखिए नेपोटिज्म में मुझे लगता ही नहीं है कि नेपोटिज्म या ये एक डिबेट, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है. इट्स लाइक कि मैं यहाँ से 6 देख रहा हूँ आप उसको 9 देख रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे राइट हो गया. तो नेपोटिज्म क्या है, अगर कोई सुपरस्टार है या कोई सुपरस्टार फैमिली है जिसने इतनी मेहनत की है, अब उसका अगर बच्चा इस फिल्म लाइन में आना चाहता है तो उसमें उसका इश्यू होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो उस लाइन में अपनी कोशिश कर रहा है और
उस वो जिस एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे जो आता है, देखिए कहीं ना कहीं अगर मैंने हैप्पी हाडी हीर में अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ अच्छा, तो आप उसे ब्लॉकबस्टर दे देंगे. क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस लो हैं. लेकिन अगर एक बहुत बड़ी फैमिली से एक सुपरस्टार एक्टर का बेटा अगर परफॉर्म करता है और वो मुझसे 10 गुना बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं परफॉर्म करता जैसे उसका बाप परफॉर्म करता है या उसके डैड परफॉर्म करते हैं, उसकी फैमिली ने परफॉर्म किया है, तो आप उसे वो ही चीज़ को कंपैरिजन में या एक्सपेक्टेशंस में उतनी शायद उसे वैल्यू नहीं देंगे. तो नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं. लेकिन फर्स्ट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए. बट दूसरी तरफ जो एक नॉन फिल्म फैमिली में से आते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये रियली लगता है कि उनके साथ जहाँ पर बहुत मेहनत जुड़ी हुई है, एक चीज़ और जुड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है. और उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लो एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसे सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं. और हमारी इंडस्ट्री में दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर डूइंग सो वेल. सुपरस्टार्स के बच्चे भी सुपरस्टार्स हैं और बाहर से आया हुआ टैलेंट भी सुपरस्टार्स हैं. तो वही ब्यूटी है हमारी इंडस्ट्री की और आप लोगों की कि आप फाइनली ऑडियंस, जैसे कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, तो इवेंचुअली ऑडियंस का डिसीजन राइट ही होता है. तो वो मैंने देखा है कि नेपोटिज्म की डिबेट कर लो, इश्यू कर लो, बात कर लो, लेकिन ऑडियंस तो अपना करेक्ट सिलेक्शन कर ही लेती है. जब रणबीर कपूर की कोई बात होती है तो कोई नेपोटिज्म की क्या बात है, लेकिन उन्हें भी तो डेफिनेटली ही इज गॉट अ ब्रेक बिकॉज ही इज फ्रॉम सच अ बिग फैमिली. बट दैट डजंट मीन ही इज लेस टैलेंटेड, ही इज अ सुपरस्टार. एंड जो नए तरीके से आते हैं वो भी हमने देखा है कि कितने बड़े स्टार्स बनते हैं. सो आई थिंक इट जस्ट को एग्जिस्ट. दैट इज उसमें क्यों नहीं. मैं मुझे कोई इश्यू ही नहीं है ना. अगर किसी को कुछ भी लगता है तो मुझे तो हर स्टेज पे अपने आप को प्रूव करना ही है ना. आज इतने सालों से इतने हिट गाने देने के बाद मुझे एक ट्यून और ऐसी बनानी ही पड़ेगी जो उन ट्यून से ऊपर है. और वो माने कितने हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स जो भी हिट हुए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है एज अ ट्यून. तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि भाई आई जस्ट प्रे टू गॉड कि वो ब्लेस मुझे वो ट्यून करेंगे, बिकॉज वो मुझसे बनती नहीं है, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है. मेरे डैड जो उसमें करेक्शन कर देते हैं, वो चीज़ों का बहुत बड़ा वो है. तो वो बन जाए, उसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि भाई अरे हिमेश को भी एक्स्ट्रा नेम एंड फेम मिल रही है किसी चीज़ की, तो फाइन. उसमें मैं वो एंगल से सोच ही नहीं रहा हूँ. मेरा ये है कि मुझे मेरे पिछले काम से ऊपर जाना पड़ेगा. वो उस जाने के लिए अच्छी नीयत से जो भी मैं कर सकूंगा मैं करूंगा. थैंक यू सो मच. या मैम दे. हेलो सर. प्रीति सेंटर. या सर आप म्यूजिक में तो सुपर हिट. या सेंटर. या सर आप म्यूजिक में तो सुपर हिट मशीन रह चुके हैं और आपकी फिल्म भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है. सो आपके एक्टिंग के लिए भी मींस टारगेट कर रहे हैं कि सुपर हिट मशीन बनने की. कोशिश कर रहा हूँ. मैंने वही बोला ना 3 बजे. मैं एक प्रोडक्ट के आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द फिल्म. और आपको एक ऐसी फिल्म मिलेगी जिसमें आप जो, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ज़माना सिर्फ 3 बजे का है. कितनी भी हाइप फिल्म हो पर 3 बजे की बात है. तो 3 बजे द एक्टर हैज़ टू परफॉर्म, द लुक हैज़ टू बी राइट, द स्टोरी हैज़ टू बी राइट, द स्क्रीन प्ले हैज़ टू बी राइट, एवरीथिंग नीड्स टू बी राइट. बिकॉज आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो आपके रात के 9 बजे की शो की टिकट कैंसिल करवा देगा या डबल करवा देगा. तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है. आई एम होपिंग कि 3 बजे मैं आपके जो प्रोमोज में अगर नज़र आ रहा है और एक जो हाइप बन गई है पिक्चर की, वो उस पर आई कैन मैं खरा उतरू. यू नो आई एम ट्राइंग. आई जस्ट लाइक टू से दैट हिमेश जी सच एन ऑनेस्ट एंड रियल पर्सन एंड द फिल्म इज मेड विथ सो मच ऑनेस्टी एंड यू विल सी दैट ऑन स्क्रीन. लाइक एवरी इमोशन इज सो रियल. इवन द वे रानू जी एंड एवरी थिंग दैट ही इज डन फॉर द फिल्म, आई थिंक इट्स आई वी रियली लकी
Sir, thank you so much, and thank you so much for being there with me. Yeah. And I really thank Kumarji and Vasuji, Jackie, everyone. They've really supported me for this film, and the whole team of Happy Hadir. The director Raka is here. He's just come late. He shouldn't be late on set. So he's come late. Just say hello. He's the director. He's turning director. Please. We want to hear it from Sonia ji, because ek taraf screenplay writing of the film aur dusri taraf styling of Himesh. Take us through both the journeys. Where the screenplay writing is concerned, I think this is a very warm and an endearing love story. You know, we all believe in love, and we all like to be loved. So it is a very simple love story with some great romantic music. And that's about it. It's a simple love story where you'll come to the theaters and probably fall in love once again. So a lot of love happening in real life and being poured all into the script. Great. And the styling bit? Styling, I can say yes, the response to Himesh's look, you know, has been very overwhelming. I know people calling me who have never called me to say that the film looks amazing. And you know, those teenagers, they call me up and say, oh, HR is looking snatched. So yeah, it feels nice. We've really worked hard. And you have to work really hard on me, because एक जो look है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक unconventional journey है, उसमें हर इंसान मुझ पर बहुत मेहनत कर रहा है, और मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ दीप शिखा जी का, कुमार जी का, क्योंकि सब मुझे स्टार बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों की दुआएँ चाहता हूँ. हिमेश जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने रानू मंडल जी को अपनी फिल्म में जो गाने का मौका दिया, क्योंकि बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ स्टार के बच्चों को ही स्टार बनाएंगे, लेकिन हिमेश रेशमिया ने एक साबित कर दिया कि वो ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति को स्टार बना सकते हैं. तो इसके लिए मैं और मेरा परिवार पूरा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं. थैंक यू सो मच. मैं आपसे सचमुच कह रहा हूं कि कोई चीज़, ये सब चीज़ें प्लानिंग से हो नहीं सकती, और ये हो गया, और कहीं ना कहीं जो हुआ है ना, वो एक नियत में बरकत है, मेरे डैडी हमेशा मुझे कहते हैं. तो वो सबके यहाँ पर जो टीम मेम्बर्स हैं ना, जब से फिल्म बनी है, जो जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जो इस टीम के पीछे भी रहे हैं, सब ने वही नियत बहुत साफ रखी है. कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था ना. आज रानू जी को मैं अकेला तो नहीं लॉन्च कर सकता था. दीप शिखा जी हैं, कुमार जी हैं, डायरेक्टर हैं, आप पूरी जो यूनिट है, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, मीडिया है, वो सब ने, मेरे अकेले करने से वो हो ही नहीं सकता था. इसलिए उसकी 0.1% भी क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए. हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप लोगों ने रानू जी के लिए और इस फिल्म के लिए, इन गानों के लिए, जो रिलीज़ से पहले यूजुअली म्यूज़िक कभी हिट ही नहीं होता आजकल के ज़माने में, वो आप लोगों ने बनाया है, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका. रानू जी, आपसे एक सवाल करेंगे, इधर लेफ्ट पे उधर. हेलो. हेलो. इतनी पॉपुलैरिटी आपको मिल गई है तो हिमेश जी ने तो आपको लॉन्च कर दिया, लेकिन और कोई प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर ने और गाने ऑफर किए आपको क्या? अरे पूरे इंडस्ट्री से आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं कि भाई इनका नंबर दे दो, और मैंने बोला अतिंदर जी का नंबर दे रहा हूँ. अब अतिंदर जी जैसे रिएक्ट करेंगे और रानू जी जैसे चाहेंगे, सचमुच जेन्युइनली एवरी वन वॉन्ट्स टू वर्क विद रानू जी, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. अभी तक लेकिन किए कोई फिल्म साइन किए एज ए सिंगर? अभी हमने इन्हीं की फिल्म के लिए किया. अभी तो हमारे तीन गाने आ रहे हैं हैप्पी आरडी हीर में ही, और तीन गाने उनके आ रहे हैं, और तीनों गाने इससे बेटर गाए हैं इन्होंने. क्या गाए! और आशिकी भी जितना वायरल हो चुका है, वो आलाप तक आदत गाने का वायरल हो चुका है, आपने सुना ही है, उसमें रेंज और बेटर. तो बहुत डिफिकल्ट था, यू नो, इतना हाइप्ड हिट गाने के बाद उस नेक्स्ट लेवल का जो भी कोई गाना करोगे आप, तो उनकी आवाज़ उससे ऊपर लग रही है. और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जाइए, वही ओपिनियन है. रानू जी को तो आपने शो में देखा और लॉन्च कर दिया, अच्छी आवाज़ लगी. तो ऐसे और कई टैलेंटेड सिंगर्स है अपने देश में, तो उनके लिए आप सोचेंगे कि अकेले? 100% देखिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा
एक एक इंसान की अपनी जो लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन वहाँ तक होगी कि मेरे पास जैसे एक स्क्रिप्ट किसी भी डायरेक्टर के पास या एक प्रोड्यूसर के पास होती है, उसके लिए उसे वो सही उस स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टर चाहिए मुझे उस गाने के लिए. अब जो कॉम्पोजिशंस मेरे पास हैं, अभी मैंने 700 नए गाने बनाए हैं, मैंने 700 दिए हैं, 700 मैं नए गाने लास्ट 3-4 साल में कर रहा हूँ कि बेस्ट गाने अब आप लोगों के सामने लाऊं, बेस्ट फिल्में, 2 या 3 फिल्में एज एन एक्टर करूं, लेकिन ग्रेट करूं. इसीलिए मैंने 1-8 साल का ब्रेक लिया, तो मैं बहुत कम काम कर रहा हूं, लेकिन जो करना है अच्छा करना है. तो उन गानों में जो मैं अपने स्टॉक में लेता हूं कि भाई ये मैं अपने प्रोड्यूसर्स को सुना सकता हूं, अपनी म्यूज़िक कंपनीज को सुना सकता हूं, अगर उन गानों में वो आवाज़ हैंड इन ग्लव बैठ जाए तो वो नया हो या स्टार वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो हैंड इन ग्लव बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सुपरस्टार्स की आवाज़ करेक्ट लगती है. अगर उसमें जैसे बच्चन साहब के लिए अगर कोई रोल हो तो वो बच्चन साहब ही कर सकते हैं, फिर आप उसमें न्यू कमर नहीं ले सकते. उसी तरह एक जो बहुत ही फ्रेश किस्म की लव स्टोरी होती है तो उसमें आप डेफिनेटली एक लेजेंड के बारे में नहीं सोचकर आप यही सोचोगे कि एक फ्रेश वॉइस चाहिए. तो मेरे वो कॉम्पोजिशंस या जो मेरे गाने हैं या जो भी फिल्में हैं वो डिमांड करेंगी, और वहाँ पर अगर कोई भी मौका मिला तो मैं अपने आप से अपने दिल से कैरिड अवे होकर किसी स्टार के पीछे नहीं जाऊँगा. लेकिन अगर स्टार की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ न्यू कमर नहीं हो सकता, वो कॉम्पोजिशन डिमांड करेगा कि उसे कहाँ जाना है. डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? There? Yeah, please. और मैं एक यहाँ पे हमारे शब्बीर भाई भी आ चुके हैं. शब्बीर भाई आइए स्टेज पे आइए. इन्होंने ये भी लेट लतीफ़ हैं, लिरिक्स भी लेट देते हैं कभी, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं. इन्होंने मेरे साथ कितने हिट गाने लिए हैं, इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं भैया. और ये भी एक कन्वेंशनल राइटरों की फैमिली से ऐसे कुछ नहीं आते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, बहुत जानकार हैं. और इनके धमाल आइटम सॉन्ग्स लोगों को लगता है कि बहुत पॉपुलर है, बट एक्चुअली बॉडीगार्ड का तेरी मेरी भी उन्होंने लिखा था, और बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स लिखते हैं ये. तेरी मेरी कहानी के भी लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं और बहुत अच्छे लिखे हैं. वाओ. और बाकी तो आइटम सॉन्ग्स में तो आपको पता ही है कि सारे जुम्मे की रात से लेकर, चलाओ ना नैनों से बांद्रे से लेकर, बद्रीनाथ से लेकर, और पता नहीं कितने गाने सब जो देते ही हिट पे, और आपका आंख मारे सारे सारे हिट गाने रिक्रिएटेड भी यही करते हैं. तो आजकल बहुत फॉर्म में है, तो इनकी डेट लेनी पड़ती है, इसलिए लेट आए हैं. देखो हिमेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि इससे पहले रानू को प्रोफेशनल गाने गाने की हैबिट नहीं थी, उन्होंने कोई प्रोफेशनल गाना नहीं गाया था. जब आपके साथ उन्होंने प्रोफेशनल गाना गाना शुरू किया तो आपको उन्हें इस तरह के से सिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए फर्स्ट गाने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बिकॉज वो हेडफोन के साथ जो उनका कनेक्शन बन रहा था तो वो एक नई बात थी, क्योंकि वो कुल के ऐसे गाती थी. तो वो माइक हेडफोन में हमें जो उनको ट्रैक देना पड़ता है, और वो ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आदमी एक अलग दुनिया में जाके वो एक नया एक्सपीरियंस होता है. तो वो पहले गाने में थोड़ा टाइम लगा, दूसरे गाने में और कम टाइम लगा, तीसरे में बिल्कुल नहीं लगा, और चौथा गाना तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो यूं हो गया. और उसके बाद मुझे एक करेक्शन करना था, तो उस डबिंग में तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा, मेरे रिकॉर्डिस्ट के पास ही मैंने इनको भेज दिया, इन्होंने कर दिया, मुझे भेज दिया, डाउन आउटस्टैंडिंग. वो प्रोफेशनल सिंगर हो गई है अभी तो भाई, कमाल हो गया. रानू जी, आज आप हमारे बीच में हैं तो कुछ लाइव अगर हमें गाके सुनाएं, आई थिंक सब सुनना चाहेंगे कुछ. जी, जी सुना दीजिए. तेरी मेरी का एक लाइन सुनाई दीजिए. क्या बात है, हो जाए. सुर ले लेना चाहिए, और यही होता है कि एक बेबाक सिंगर जो होता है वो ऐसे, अदरवाइज़ मैं अभी उनको सुर देने वाला था अपने फ़ोन में से, उससे पहले वो हो गई, और अगर सुर के साथ लेती तो और अच्छा गाती. थैंक यू जी. मैं एक सवाल, HR, we should have something from you. Yes, yes, yes. गाना डू इट है ना? हाँ जी. आपको वो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस बता देता हूँ.
कि हमने रिकॉर्ड कैसे किया. अब आप देखिए सुर, ये है सुर. अब यहाँ पर ना वो माइक है, ना रिवर्ब है, ना कुछ है, लेकिन और एक डरी हुई आवाज़ है. आप लोगों के सामने वो पहली बार मिल रही है, इस पर कोई जज मत कीजिएगा. इन्होंने आपने इनका वायरल वीडियो देखा हुआ है. ट्रस्ट मी दैट शी इज़ रियली वेरी वेरी गुड. और कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाक दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छांव नरम, कभी सर्द हवा, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी. Everybody out there, let's convert this beautiful press conference into a nightclub. What say? Teri meri, teri meri. Everybody, teri meri kahani. One more time, teri meri, teri meri, teri meri kahani. Thank you very much. Woo! Thank you so much, everyone, for being here. Bless the song, bless the film, bless everybody who's here at the panel. HR, your last words before we wind up. Thank you very much, and please, aap inhe bless kijiye. Inki awaaz itni divine hai ki aapko bas ye press conference humne rakhi hai Ranu ji ke liye ki bhai unki awaaz ko aap next level pe leke jaiye, inhe support kijiye, inhe pyar dijiye, happy hardy heer ko pyar dijiye, hum sab ke liye dua kijiye, hum aapke liye dua karenge. Thank you very much.